आप देख रहे हैं उदित राज न्यूज, सब पर नजर, सबकी खबर। टेक्निकल के प्रांतीय अध्यक्ष, आज ये हमारा सदन 46वें अधिवेशन के लिए बुलाया गया है। आज अधिवेशन में जो मुख्य मांगे पारित किया सदन द्वारा, उसमें एक हमारी तकनीकी पर्यवेक्षक नलकूप सेवा निमौली 1918 है, जिस निमौली के अभाव में आज हमारे जो साथी रिटायर हो गए हैं, हमारी संख्या आधे से भी कम हो गई है। उसके अभाव में सारे ट्यूबवेल बंद हो रहे हैं, सरकार के जो कार्य हैं वो नहीं हो पा रहे हैं। दूसरी एक सेवा निमौली है 1992, जो विदिक्षित हो चुकी है। 2016 में भी विकसित हुई, 2018 में भी विकसित हुई। विदिक्षित के बाद भी हमारे प्रमुख सचिव सिंचाई उस निमौली को रोके हुए हैं, वो केवल कैबिनेट जारी है, कैबिनेट से जारी हो जाता तो इन सदस्यों को पदोन्नत में 5% का लाभ मिलता, उस लाभ से ये वंचित है, जिसको लेकर के बहुत ही आक्रोशित है। उस आक्रोश को आप लोग भली भांति देख रहे हैं। उसी मांग जो हमारे संवर्ग के साथी हैं, जो 3 सालों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी लगातार ये कह रहे हैं कि पदोन्नत पर विशेष ध्यान दी जाएगी। हमारे 3 साल से साथियों का 17, 18, 18, 19, 19, 20 तीनों सालों से पदोन्नत नहीं हुई है। विभाग उस पर आधिकारिक परीक्षा करा के पदोन्नत नहीं कर रहा है, उसको लेकर के भी हमारे सदस्यों में आक्रोश है। आज चुनाव के बाद जो निर्वाचित पदाधिकारी होंगे, वो पदाधिकारी इसको लेकर के संघर्ष करेंगे। हम शासन से मांग करेंगे कि शासनादेशों अनुसार जो मुख्यमंत्री का निर्देश है, उसके अनुसार पदोन्नत कराई जाए, दोनों सेवा निमौली जो विकसित है उसको यथाशीघ्र जारी कराए। आप मौजूदा अध्यक्ष हैं, अभी तक आपने इनकी लड़ाई कहाँ तक लड़ी? इसकी लड़ाई कई बार लड़ी गई, लड़ने के बाद ही ये जो 1992 है वो विकसित हुई। विकसित का आशय है कि वित्त से, कार्मिक से, निमौली सेल से ये बेटेज हो चुकी। बेटेज के बाद भी प्रमुख सचिव सिंचाई एक साल से, विगत एक वर्ष से अपने कार्यालय में उसको रखे। विकसित के बाद जबकि हमारे पूर्व सिंचाई मंत्री जो धर्मपाल सिंह जी थे, उन्होंने आश्वासन दिया था कि 1 महीने के अंदर इसको प्रख्यापित करा देगा, लेकिन उसको प्रख्यापित नहीं कराया। यदि संघ के अध्यक्ष आप चुने जाते हैं तो आगे की लड़ाई किस प्रकार से लड़ेंगे? अगर हम चुने जाते हैं तो हमारा ये मांग होगा, हमारे सदन की जो अपेक्षा है कि हमारी सेवा निमौली यथाशीघ्र प्रख्यापित कराई जाए, जिससे हमारी पदोन्नत के अवसर उपलब्ध हो सके। दूसरी सेवा निमौली जो तकनीकी पर्यवेक्षक है, वो प्रख्यापित कराई जाए, जिससे हमारे जो सदस्य आज आधे से भी कम रह गए हैं, वो नई नियुक्तियाँ हो सके। और आज जो सदन बैठा हुआ है, ये हमारे राष्ट्रीय अधिवेशन आप चुनाव होना है, इसमें पूरे प्रदेश के कोने कोने से लोग आए हुए हैं और आज की हमारे लगभग 2000 की संख्या हमारे प्रदेश से लोग आए हुए हैं। हमारे सबसे महत्वपूर्ण मांग जो है, 3 संख्या जो एक है वो है, 3 सबसे महत्वपूर्ण मांग है कि हमारी समस्या है। एक सेवा निमाली हमारी लगभग सेवा निमाली है, जो 1951 की सेवा निमाली उसको परिवर्तन करने के लिए विभाग तक गया हुआ है, लेकिन वित्त विभाग द्वारा बार बार आपत्ति लगाकर उसको वापस कर दी जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी की बार बार घोषणा करते हैं, उनकी मनसा है कि 3 दिन से ज़्यादा पत्रावली न रोकी जाए, और मुख्य सचिव सिंचाई हमारी सालों साल रोकते रहते हैं, मुख्यमंत्री की घोषणाओं के सेवन वाले पुनः उल्लंघन कर रहे हैं। मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध करना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी बात पहुँचाने का प्रयास करें। शासन में बैठे हुए प्रमुख सचिव आपकी बात का कोई बकास ज्ञान में लेने का नहीं करता। इसके बाद अभी 2 बजे के बाद सदन को कार्य को भंग करते हुए चुनाव कार्य के हाथ में कार्यक्रम दे देंगे। इसके बाद चुनाव कार्य के दिशा निर्देश में कार्यक्रम, मतलब चुनाव संपन्न होगा, उस प्रक्रिया में बहुत जल्द से जल्द होगा। 8-8 बजे वर्तमान में जो अध्यक्ष पद के वो लगभग 2 प्रत्याशी नाम आ रहे हैं, महामंत्री पद के शायद 1 या 2 एक हैं, एक मेरे पोते शब्द हैं, वरिष्ठ उपाध्यक्ष के 2-3 या 4 नाम आ रहे हैं, कोषाध्यक्ष के 3 नाम हैं, संप्रेक्षक के 1 या 2 नाम हैं। मेन लड़ाई जो यहाँ पे मुख्य पद होता है, ये 5ों की कमेटी होती है, लेकिन जो मुख्य पद होता है अध्यक्ष मंत्री का होता है।